जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। ये वर्ष 2021 आप सभी दर्शकों के लिए, सभी ऑडियंस के लिए, मैं ये चाहता हूँ और मुझे भरोसा है कि अच्छा ही रहा होगा। पेंडेमिक के कारण कोरोना, ओमिक्रॉन, ये नाना प्रकार के जो झंझट चल रहे हैं, इनके चलते हुए काफ़ी संघर्ष तो चल ही रहा है, कोई संदेह नहीं है इसमें। पूरे विश्व पर ये व्याधि अटक रही है, मंडरा रहे संकट के बादल। प्रिय दर्शकों, सर्वप्रथम तो मैं पूर्ण पुरुषोत्तम परमात्मा मेरे श्री राधा कृष्ण के चरणों में आप सब लोगों के लिए और विश्व की कल्याण के लिए, विश्व की मंगल कामनाओं के लिए प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि जो वर्ष गया वो जैसा भी रहा, सबके लिए मैं अच्छी कामनाओं के साथ गत वर्ष के लिए आज विदाई दे रहा हूँ। और नूतन वर्ष अभिनंदन, क्या शब्द है हमारा, नूतन वर्ष अभिनंदन। नए वर्ष की हम शुरुआत कैसे करें, नए वर्ष में हमें क्या करना चाहिए जिसके करने से नई साल हमारे लिए मुबारक हो, नई साल हमारे लिए मंगलमय हो, नई संपूर्ण वर्ष हमारे लिए सुख देने वाली हो, सफलता देने वाली हो, नाना प्रकार के हमारे परिवार में खुशियों का माहौल, मंगल कार्यों से पूरी साल बनी रहे और भरी रहे और सब कामों से हमारा कार्य मंगल मंगल हो। कुछ लोग पाश्चात्य सभ्यता को ध्यान में रखते हुए, पाश्चात्य सभ्यता में ध्यान रखो, पाश्चात्य सभ्यता का स्वागत करो, लेकिन उसमें रंगो मत। मदिरा पान करके, बियर पान करके, डांस करके, इधर उधर किए जो कार्य कर रहे हैं वो हमारे शास्त्रों के विरुद्ध है। नूतन वर्ष अभिनंदन, सर्वोत्तम कर्म क्या है, सनातन धर्म में हमारे सर्वसे ज़्यादा उन्नति का शील है हवन कर्म। क्योंकि ब्रह्मा जी ने सृष्टि को बनाते समय महाराजा मनु से चार शब्द कहे थे, आपको याद होना चाहिए कि धनम इच्छेत उतासन, हे मानव अगर आपको जीवन में धन की इच्छा हो तो हवन करना, सुखम इच्छेत हुतासन, सुख की इच्छा हो तो भी आप हवन करना, हुतासन माने हवन करना। सर्व कार्यम सिद्धिम इच्छित, समस्त कार्यों की सिद्धि की अगर आपकी इच्छा है तो अभी हुतासन हवन करो। इस प्रकार के समस्त कार्यों के लिए हवन करने का विधान प्रभु के चरणों में ये ध्यान लगाएं कि प्रभु जो समय आपने व्यतीत किया वो अच्छा किया। एक विषय पे मैं आपको स्पष्टीकरण देना चाहता हूँ। कुछ लोगों का अंग्रेजी वर्ष यानी 1 जनवरी के दिन नव वर्ष न मनाने का एक परंपरा चला रहे हैं, इसका मैं स्वागत नहीं करता। चूँकि निसंदेह नवा वर्ष हमारा चैत्र नवरात्र की प्रतिपदा से शुरू होता है, ये सर्वविदित है। उसका तो हम नवरात्रियों का 1 दिन नहीं, 9 दिन तक स्वागत करते हैं। लेकिन संपूर्ण दुनिया से जुड़े रहने के लिए एवं संपूर्ण दुनिया के एक अपने लेखे जोखे के लिए तो हमें ईसवी वर्ष, जो कि हमारी जनवरी फरवरी आदि 1-2 तारीख से ले 30 तारीख तक इसी से जुड़े हुए हैं। अगर किसी से हम पूछेंगे तिथि कौन सी है तो संभवतः 10 में से कोई एक बता पाएगा कि आज तिथि एकादशी या आज तिथि द्वादशी है। तो द्वादशी तिथि है आज 31 तारीख को, इस प्रकार से किसी को याद नहीं है। तो जो हम संसार में जिनके साथ रह रहे हैं उनके साथ समन्वय करो। नूतन वर्ष का अभिनंदन पाश्चात्य सभ्यता से नहीं, अपनी भारतीय परंपरा से करो। और भारतीय परंपरा क्या है कि लगभग आप 10-11 बजे या तो एक भक्ति संध्या का आयोजन रखो, 9 बजे 10 बजे। अब भक्ति संध्या का अगर आपको संयोग नहीं है तो घर वाले से मिलकर के कोई अच्छा भगवान की चर्चा करो, भगवान के विषय करो या भगवान का कीर्तन करो। क्योंकि कीर्तन का प्रभाव हमारे कलयुग में सर्वाधिक है, इसके बारे में पहले भी बता चुका हूँ और फिर मैं आपको समय के एक अच्छे अवसर की तलाश में हूँ। जब अच्छा अवसर आएगा तो कीर्तन के बारे में कितना बड़ा महत्व है वो हम आपको बताएंगे। तो भक्ति संध्या और कीर्तन एक ही रूप है। जब दिन रात्रि के 12 बज जाएँ अर्थात 2021 विदा होगी और 12:01 पर ही 2022 हमारे लिए प्रवेश हो जाएगी, उस वर्ष का स्वागत कैसे करें।
हवन करके बाद और खीर पान करें, दूध पान करें मीठा। खीर में वो तत्व है सफ़ेद, चीज़ों का तीन चीज़ों का संयुक्त है, सफ़ेद दूध जो अमृत स्वरूप है, अन्न चावल जो अन्नों का राजा है, और चीनी हमारे जीवन में शक्ति देने वाली है। हमारे जीवन में अन्न की वृद्धि हो, शक्ति का संचार हो, मंगल कार्यों की शुरुआत हो, तो ऐसी हम खीर खा करके नववर्ष का अभिनंदन करें, अथवा कोई भी मिठाई खा के नववर्ष का अभिनंदन करें, अथवा प्रभु के चरणों में, अपने गुरु के चरणों में, अपने माता पिता बुजुर्गों के चरणों में चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेकर के नया वर्ष शुरुआत करें। आप सभी लोगों को मैं ये स्वागत करता हूँ और आमंत्रण देता हूँ कि हमारा गत आसनी अनेक वर्षों से 20वें वर्ष श्रीमद् भागवत सप्ताह पारायण 31 दिसंबर को पूर्ण होने जा रहा है। इस दिन हमारे दिन में हवन होता है, भागवत का वाचन होता है, उसके पश्चात 9:30 बजे से लेकर के लगभग 12 बजे तक एक दिव्य भजनों के साथ में, अनेक अच्छे योग कलाकारों के साथ में भावपूर्ण एक भक्ति रस युक्त भक्ति संध्या का आयोजन रहेगा। ठीक 12 बजे अग्निदेव को नमस्कार करके नए वर्ष का अभिनंदन करके हवन आरंभ करेंगे। हवन आरंभ करने के पश्चात वो हवन बहुत ही सूक्ष्म, शॉर्ट एंड स्वीट, 15 से 20 मिनट का हवन अग्निदेव को प्रसन्न करके, क्योंकि अग्निदेव हमारे जीवन में सब कुछ देने वाले हैं। इन 5 एलिमेंट्स के बारे में अलग अलग मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद फिर प्रभु का भोग लगाकर खीर का हवन करके 12:30 बजे 12:15 बजे के आसपास जैसी हवन की पूर्णावती होगी, उसके पश्चात सभी लोगों को हम अपने हाथ से और चम्मच से खीर प्रसादी खिलाएंगे। इसी प्रकार से हम सब लोगों के लिए कामना करेंगे, जो हमारे साथ नववर्ष अभिनंदन मनाएंगे उनके लिए प्रभु से प्रार्थना करूंगा और कर रहा हूं कि नया वर्ष मेरे आने वाले सभी दर्शकों के लिए, हमारे साथ नववर्ष मनाने के लिए जो अनेक दूरियों से लोग आए हुए हैं और भी आने वाले, प्रतिवर्ष ये आयोजन होता है, उन सबके जीवन में एक खुशियों के बाहर आए, उन्नति की एक राह बने, जो पिछले वर्ष में अधूरे कार्य थे वो आगामी वर्ष में पूर्ण हों। इन समस्त शुभ कार्यों के साथ आपको मैं 31 दिसंबर के आशीर्वाद देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, और नया वर्ष कैसे मनाएं इसके बारे में मैंने आपको बताया। तो सबके लिए मुझे भरोसा है कि इस संदेश को पाकर के सभी लोग बड़े हर्ष उल्लास के साथ नया वर्ष ईस्वी 2022 का स्वागत करेंगे, सबके लिए मंगल में रहेगा। और इसी कामना के साथ एक बार आपको पुनः बता रहा हूँ, यदि आप लोगों ने अभी तक हमारा सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय सूत्र के आधार पर बनाए हुआ यूट्यूब चैनल सभी सुखी हों और सबके लिए हितकारक हो, आचार्य जिनेंद्र कटारा के नाम से है, इसे सब्सक्राइब करें घंटी के साथ, ताकि समय समय पर आपको नए नए संदेश समय समय पर मिलते रहेंगे। गुरु कृपा से, प्रभु की प्रेरणा से और प्रभु की कृपा से हम आपको ये ज्ञान का एक भंडार बांटते रहेंगे और आप इसका लाभ लेते रहो। बस इतना ही। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।